हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देसी फैक्ट्स। तो आज मेरी मम्मी ने मुझे चैलेंज दिया है कि तकिए का कवर बनाना है, और वो भी कर्टन से छोटे छोटे। अब ज़्यादा छोटे हैं वो, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो बट जो भी है इसी से बनाना पड़ेगा मुझे। मेरे पास बहुत सारे कर्टन हैं, तो मैंने सोचा कि सबको जोड़ दूँगी, मतलब एक कर्टन दूसरे कलर का, दूसरे कर्टन दूसरे कलर का, तो उन दोनों को जोड़ के फिर एक बड़ा सा कर्टन वो बन जाएगा ना, सब कवर करने के लिए कपड़ा। तो पहले तो मैंने येलो कलर चूज़ किया, उसके बाद वो छोटा पड़ रहा था और वो बहुत पतला था, तो उसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया। और उसके साथ मैंने एक स्किन कलर का कपड़ा मुझे मिला था, छोटा था वो भी, तो उसको पहले मैंने दोनों साइड से सिल दिया उस येलो कपड़े को। और उसको मैंने डबल फोल्ड इसलिए किया ना, क्योंकि जो ना ये कपड़ा है ये बहुत पतला है, तो इसको थोड़ा अगर डबल फोल्ड कर देंगे तो ये विजिबल नहीं होगा था क्या, तो इसलिए। और उसके बाद मैंने दूसरी साइड लिया था, डार्क ब्राउन कपड़ा मिला था मुझे और स्किन कलर का, तो फिर डार्क ब्राउन लिया और एक स्किन कलर का कपड़ा लिया, फिर दोनों को मैंने जोड़ दिया। और फिर दोनों को जोड़ के फिर पीछे का कवर बना लिया था मैंने। पीछे का कवर बना के फिर मैंने सोचा कि ये दोनों तो बन गए, बट ना जो पहले वाला कपड़ा था ना, वो जो येलो कलर का, वो बहुत थोड़ा छोटा पड़ रहा था। अगर हम उसको तकिए को कवर कर रहे थे उस चीज़ से, तो वो छोटा पड़ रहा था, तो मैंने सोचा इसमें कुछ ऐड ऑन करते हैं और कपड़ा। देखो मैंने रखा, फिर इससे मैंने एक पिंक कलर का कपड़ा ढूंढा, फिर उसको दोनों तरफ से मैंने जोड़ा मशीन से, दोनों तरफ से जोड़ दिया, तो फिर वो थोड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि वो सिलाई में थोड़ा कपड़ा अंदर चला जाता है, तो फिर मेरा तकिया छोटा सा हो जाता, फिर उसके अंदर शायद तकिया आता भी नहीं। तो फिर मैंने उसको क्या किया, पिंक वाले कपड़े को दोनों साइड से जोड़ दिया, तो वो थोड़ा बड़ा कपड़ा हो गया। दोनों को जोड़ दिया, उसके बाद फिर मैंने प्रेस करा थोड़ा वो सीधा हो जाए। अब मैं इसे झालर इसका जोड़ रही थी, ब्लू कलर में मैंने लिया था कि वो थोड़ा साइड से अच्छा डिज़ाइन आ जाए। तो अब मैं इसको स्टिचिंग कर रही हूँ इसकी, अब ये मैं डिज़ाइन बनाती जा रही हूँ साथ साथ, और इसके साथ साथ ही जोड़ती जा रही हूँ। और बहुत मुश्किल काम था यार, बट कर ही दिया मैंने एटलीस्ट। ये सारा मैंने खुद अपने दिमाग से कि ऐसे ऐसे मम्मी ने जोड़ा होगा सब कुछ, क्योंकि मैंने आज तक ये बनाया नहीं और पहली बार बना रही थी। और उसके बाद मेरे पास ब्लू कपड़ा कम था, तो मैंने येलो कलर का कर्टन लिया, फिर उसे जोड़ा था साइड से, और दोनों साइड मैंने ब्लू लिए और एक साइड मैंने येलो लिया था, क्योंकि ब्लू कपड़ा कम पड़ रहा था मेरे पास, तो इसलिए मेरे को येलो लगाना पड़ा। और फिर मैंने बना लिया अपना कवर, अभी पूरा तो नहीं बना, अभी साइड से मैंने जो एक पार्ट था जहाँ से तकिया हम डालेंगे वो वाला पार्ट सील दिया था मैंने, और उसके बाद ये तकिया उसके अंदर डाला, और उसके बाद इसको दोनों तरफ से मोड़ के उसके बाद इसको मुझे सिलना था वो सुई से। और फिर इसको मैंने छोटी 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 सिलाई करी, इसमें ज़्यादा विजिबल ना हो बट डिज़ाइन में कर दी कि मतलब ठीक अच्छा लगे। तो ये मैंने पूरा सिल दिया और ये हमारा तकिया रेडी हो गया। ये तो मैंने बना लिया अपना तकिया, अब मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। और ये रहा हमारा तकिया, पहली बार बनाया गाइस, जो मुझे मशीन चलाना था थोड़ा मोड़ा, तो वैसे मैंने बनाया है क्या। अब आपको ये बताना है कि तकिया कैसे बना है, बट इससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी ने कैसे तकिया बनाया। ये तो मेरा ही है, ये पीछे साइड का है और ये आगे का है। अब इसके साथ वाला जो है ना ब्लू ब्लू सा, वो मम्मा ने बनाया मेरी, ये मम्मा ने बनाया ना। तो आप बताओ कि मम्मा का ज़्यादा अच्छा लग रहा है या मेरा अच्छा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करना। और मम्मी ने पहले से सिलाई कर रखी है और मैंने अभी जस्ट करी है, मतलब अच्छे से तो पहली बार करी है, फर्स्ट टाइम है। तो प्लीज़ बताओ, कमेंट करो, और गाइस प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो